हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इट्स गुरपाल सिंह, योर अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चंस. इन दिस वीडियो, एज यू नो वेरी वेल, आवर चैप्टर वन इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द थिंग्स इन चैप्टर वन, दैट वॉज एग्रीकल्चर कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउ वॉज द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, सो एज वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन. सो always we have to prefer NCERT question first, then after that we have to move forward for the reference questions. Okay, so if you are not doing anything, still try to solve all NCERT's questions of Indian economic development. Okay, but a few questions from NCERT I have taken here. So in this video I will explain five questions from the NCERT. See in your book, or you can see on the screen also if you are not having book. And that question number one. Question number one is, what was the focus of economic policies pursued by colonial government in India? What were the impact of these policies? देखो main मकसद क्या है कि इस question का point meaning क्या कहता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में अडॉप्ट करी गई थी, उनका मेन फोकस क्या था, क्यों हुई थी. यू कैन सी द मेन फोकस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज टू मेक इंडिया अ मेयर सप्लायर ऑफ ब्रिटेन्स टाउन फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रियल बेस. बार बार मैंने आपको समझाया था कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से मात्र रॉ मटेरियल सप्लायर बना रहे थे हमारी कंट्री को, कि रॉ को ले जाए यहाँ से सस्ता माल. द पॉलिसी वॉज कंसर्न मेनली विद द फोर्टिफिकेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ देयर होम कंट्री. ठीक है, जिससे क्या हो कि जब रॉ मटेरियल यहाँ से जाए, प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में बनेगा जा करके, तो जिससे उसका जो बेनिफिट है, एडवांसमेंट है, दैट एडवांसमेंट विल बी क्रेडिटेड टू ब्रिटेन. राइट, द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर कम्प्लीटली इग्नोर्ड. और इंडियन इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट था उसको पूरी तरह से पूर्णतया इग्नोर किया जा रहा था. सच पॉलिसीज ब्रॉट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट टू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन. ठीक है, कि इंडिया से रॉ मटेरियल पहुँचाया जा रहा था वहाँ से ब्रिटेन में, फ्रॉम ब्रिटेन दे वर परचेसिंग फिनिश गुड्स. ओके, सो अब इस इकोनॉमिक पॉलिसी जो परस्यू करी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसका असर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ा. देर वॉज लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट था बेटा, वो बहुत ही स्लो हो गया. क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट था दैट वॉज वेरी स्लो. Throughout the British rule, Indian economy experienced very low level of economic development. As per research, Indian economy grew at even less than 2% during 1900 to 1950. ठीक है, कि लास्ट के दो सालों में जो इंडियन इकोनॉमी है वो कितने परसेंट ग्रो हुई, मात्र 2% 1900 लेके 1950 तक. The reason for such low level of development was the British government was more concerned with the promotion of economic interest of their home country. कि जो British government थी उनका interest mainly क्या था, कि they have to develop their home country, not their business countries. ठीक है, consequently the colonial rule transferred Indian agriculture sector to a mere supplier of raw material to British. This not only affected the transformed India's agriculture to a mere supplier, but the production of agriculture sector, but also ruined the small manufacturing units like handicraft and cotton industries. अब इसका raw material के supplier तक असर नहीं पड़ा, इसका असर जो है
हैंडीक्राफ्ट और कॉटन इंडस्ट्रीज वो भी तो उनके ऊपर भी पड़ा, बिकॉज कि ब्रिटिशर्स ब्रिटेन गवर्नमेंट वर सेलिंग देयर मशीन मेड प्रोडक्ट एट लेस कॉस्ट, दैट इज़ वाई ऑल द पीपल वर परचेसिंग दैट प्रोडक्ट्स। ओके, बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और कॉलोनियल रूल से इंडिया की जो इकनॉमी थी वो बैकवर्ड हो गई। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकनॉमी, इंडियन इकनॉमी में इंडस्ट्रीज लगनी बहुत कम हो गई। ओके, एज वेल एज रिग्रेशन इन फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड था वो भी क्या होने लग गया, बेटा डिक्लाइन होने लग गया। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन्ड द मोनोपोली ओवर द इंडियन फॉरेन ट्रेड, द गवर्नमेंट यूज द ट्रेड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। ठीक है, कि जो भी उनकी होम कंट्री का इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट की पॉलिसी देनी भी प्रोवाइड इन्होंने करी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिक्स्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट का नेम बताना है इस क्वेश्चन में कि जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में मदद करी थी उस टाइम पे। सो देवर दादा भाई नरोजी, विलियम दिग्बे, फाइनली श्रीनिवास, वी आर के राव एंड आर सी देसाई। ओके, एज ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन द अपलिवमेंट ऑफ आवर कंट्री, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं चाहती। सो दे नेवर टूक एनी इनिशिएटिव टू मेजर इंडियाज। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कभी भी इंडिया की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करी। राइट, तो इज़ इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमिक एग्रीकल्चर उसी जगह पे रुका पड़ा था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था ना कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, टी नेंट वाला सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिमीदार वाला सिस्टम चला दिया था। ठीक है, दिस वॉज ड्यू टू प्रीवेलेंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, पर्टिकुलरली जमींदारी सिस्टम। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल इन 1793। अंडर दिस सिस्टम जमींदार ओन द लैंड वॉज रिक्वायर्ड टू पे हाई रेवेन्यू। ठीक है, अब जो भी लैंड का जब मालिक बन जाता था जमींदार, जो ज़मीन करना चाह रहा है टिलर ऑफ द सॉइल, ओके, दे हैव टू पे मोर मनी, वेरी हाई रेवेन्यू टू द लैंड होल्डर। ओके, फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन, इनिशली बिफोर द ब्रिटिश रूल द फार्मर वर प्रैक्टिसिंग कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उससे पहले लोग अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए ही प्रोड्यूस कर रहे थे। दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस एंड वीट फॉर देयर ओन कंजप्शन। ठीक है, अब ने ओन कंजप्शन के लिए, बट उसके बाद ब्रिटिशर्स ने फीड, चीप रॉ मटेरियल्स का भी जब एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, देन दे डिसाइडेड टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट्स। ओके, एज वेल एज दिस कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नॉट ओनली इंक्रीज द बर्डन ऑफ हाई रेवेन्यू ऑन द पुअर फार्मर, बट ऑल्सो लीड टू फेस शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, रिसोर्सेस, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ओके, सो इज इट क्लियर? हैव यू गॉट इट ऑल दिस थिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वॉट नेम सम इंडस्ट्रीज विच वर इन द ऑपरेशन ऑफ अ इन आर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो इसका हिस्सा बनी थी। तो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एट द फाइनल स्टेज, डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू सेटअप कॉटन एंड जूट मिल्स, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री महाराष्ट्र गुजरात वॉज द हब फॉर द कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स, वेयर मेनली डोमिनेटेड बाई इंडियंस, वेयर एज द जूट इंडस्ट्री इज मेनली कंसर्नड इन बंगाल। ठीक है, जो जूट की इंडस्ट्री थी वो मेनली कहाँ पर कंसर्न कर रही थी, बंगाल में। राइट, एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड इमर्जिंग ग्रेजुअली, लगातार बढ़ने लगी थी।
इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907, राइट। सो सम अदर इंडस्ट्रीज देवर ओपनिंग एट अ स्मॉल स्केल, कुछ इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे भी खुल रही थी। ओके नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव। वट क्वेश्चन फाइव इज सेइंग, क्वेश्चन फाइव इज सेइंग वट वॉज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाई द ब्रिटिश प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। द फर्स्ट वन मेकिंग इंडिया सुपर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहला सिस्टम था जिससे इंडिया फ्लॉप हो गया। सेकेंड मेकिंग इंडिया मार्केट फॉर फिनिश गुड, इंडिया को ऐसी मार्केट बना दिया गया जहाँ पे मात्र फिनिश गुड्स ही ब्रिटिशर्स के खरीदे जाते थे, किसी भी तरह से इंडिया का रॉ मटेरियल नहीं खरीदा जा रहा था। ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर रिट्यून्ड अंडर ब्रिटिश रूल, डू यू एग्री विद द व्यू, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ आंसर। क्या आप इस कंटेंट से राजी होते हैं, अगर नहीं तो नो लिखिए, हाँ तो हाँ, यस वी डू एग्री बिकॉज इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। ओके बट द डिसीजन वॉज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। सो ऑल दीज क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, आई होप यू हैव गॉटेड ऑल दीज क्वेश्चन, एंड प्लीज नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन इन योर NCERT कॉपी और इन योर टेक्स्ट बुक वेयर एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज फाइव क्वेश्चन। नाउ पुट अप योर SR नंबर एट द लास्ट टाइम आस्किंग अबाउट SR नंबर, यू हैव टू मैंशन योर SR नंबर एंड सीक्वेंस वाइज यू हैव टू राइट आंसर ऑफ वन एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दीज फाइव क्वेश्चन। इन पांच क्वेश्चनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में भी लिखना है। ओके अब कौन सा चूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करेगा, आइदर यू कैन चूज़ स्मॉलर वन, आइदर यू कैन चूज़ लार्जर वन, ठीक है। चाहो तो आप छोटा भी चूज़ कर सकते हो दो चार वर्ड्स का भी, और चाहो तो आप लेंदी नेम चूज़ करना है तो आप लेंदी नेम को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर दिस चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके एंड यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।